गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज स्टूडेंट हम लोग आपके एक्सरसाइज जो आपका एक्सरसाइज है 21A इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने उसको डिटेल किया था कि वो क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, कैसे हम टैली मार्क टेबल बनाते हैं, कैसे एक टेबल फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं और उसमें हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन को फर्स्ट आपको देखते हैं कि द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन 20 फैमिली मेंबर्स आर गिवन बिलो। इसमें आपका नंबर दिया गया है 465। पहले तो इस डाटा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 465, फिर है आपका 5463, 5463, 5463 के बाद आपका है 5463, 35535, 35534, फिर है 5354, फिर है 4673, फिर है 4673, और उसके बाद फिर क्वेश्चन है आपका 557। अब इसको अगर हम काउंट कर लें कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये एक फैमिली है जिसके 20 मेंबर्स हैं। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि द नंबर्स ऑफ मेंबर, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ 20 फैमिलीज आर गिवन बिलो। मतलब 20 फैमिली है उसमें मेंबर दिए गए हैं, किसी फैमिली में 4 है, 6 है, 5 है, ये ऐसे दिए गए। तो इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। ऐसे देखने से लग रहा है ना कि ये कितना ज़्यादा है, तो जब ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले मैंने कल बताया था आपको एक चार्ट बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, चार्ट का दिया है इसको टेबल का ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है, ये नंबर, ये है नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स लिख लीजिए, मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स में जैसे मान लीजिए कि 4 मेंबर्स। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि सबसे छोटा बिगिन कौन सा है, 3 है, देखो 3 से कोई कम नहीं है। सबसे पहले हम 3 लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे, और आप देखो फिर 7 लेंगे। अब 7 से बड़ी कोई फैमिली नहीं है, मतलब कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसमें 7 से ज़्यादा डाटा दिया हो। यहाँ पे और यहाँ पे आप देखोगे 7 दिया हुआ है। तो अब हम लिख देंगे इसका, अब इसमें हम एक जगह टैली मार्क लिखते हैं और दूसरी जगह हम लिखते हैं नंबर ऑफ फैमिली। जैसे नंबर ऑफ मेंबर हो गए तो 3 मेंबर वाले कितनी फैमिली है, तो यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ फैमिली, क्या फैमिली, ये नंबर ऑफ मेंबर है। उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ठीक से लिख दूँ ताकि समझ में आ जाएगा, मेंबर्स, ठीक है। और यही भी इसका टैली मार्क बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टैली मार्क। टैली मार्क थोड़ा एक सहूलियत होती है, एक आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। आप जैसे देखो 3 मेंबर्स वाली कितनी फैमिली है, तो 3 मेंबर्स वाले देखेंगे तो फैमिली यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 3 नंबर्स वाली फैमिली हो गई आपकी 4, ठीक है। हम इसको थोड़ा सर्कल कर लें ताकि याद रहेगा कि ये डाटा मैंने यूज कर दिया।
ये नीचे आप डॉट लाइन से भी इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो, मतलब आसानी अपने पहचान की आइडेंटिटी के लिए आप टिक लगा सकते हो। अब आ गए फोर मेंबर्स वाली फैमिली, तो फोर मेंबर्स इस फैमिली में 1, 2, 3, 4 है। इसमें भी कितने फैमिली है, फोर फैमिली है जिनमें फोर मेंबर्स हैं। अब फोर वाला भी हो गया, तो फोर वाले में चलो हम टिक लगा लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक फोर हो गया। अब फाइव में आ जाते हैं, फाइव में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कितनी फैमिली है, फाइव में 7 फैमिली है जिसके मेंबर्स 5 हैं। अब आगे 6 की बात, तो 5 में भी आप डबल टिक लगा देते हैं, 5 पे हो गया डबल टिक, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 और 7। अब 6 में आ जाए, तो 6 में कितने हैं, 6 में देखो हम क्रॉस लगा देंगे 1, 2, 3 मेंबर्स। अब 7 में देखेंगे, तो 7 में आपका देखिए, 7 में आप देखो लगभग सब हो गया 1 और 2, ये बाकी है, तो आपका हो गया 2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं n = 2, ऐड करेंगे तो हमारा 20 आना चाहिए, 20 आएगा तो सही होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ गलती होगी। तो 4 और 8 7 सॉरी 4 और 8 4 4 8 और 7 15 15 और 3 18 और 2 20, इतना आ गया 20 आ गया। अब इसको हम टैली मार्क कैसे लिखेंगे, 4 लिखना है तो 4 के लिए टैली मार्क हम लिखेंगे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इस 4 के लिए भी हम यही लिखेंगे। 7 देखो 7 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, और इसको बाइंड कर देंगे, मतलब 5 का एक ग्रुप बना लिया, और बाकी बचा 2 तो 6 और 7 होगा, 3 के लिए ये हो गया 2। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का। हम इसी तरीके से सॉल्यूशन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड दिया हुआ है उसका भी बना लेंगे, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी बना लेंगे। तो ये काफ़ी आसान है मेरे ख्याल से, फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड आप करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि उसको मैं नेक्स्ट में डिटेल कर सकूं, और उसके बाद हम 21 भी स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो ये काफ़ी आसान है, समझ में आया होगा, आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे, थैंक यू।